बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट मटन। बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगी तो जब आप बनाएंगी आपको भी वाइट मटन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसे बनाना कैसे है। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। मैं साथ साथ बनाती जाऊंगी और इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहती तो आप वैसे भी बना सकती हैं सेम तरीके से। तो इसमें मैंने डाला है आधा किलो मटन, अच्छे से वॉश कर लिया है, खुश कर लिया है इसे मैंने। और अब मैं इसमें एक अदद प्याज ऐड कर दूंगी मीडियम साइज़ का, ये देखें ऐसे। इसको मैं रफली चॉप कर लूँगी और फिर हम इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि कुकर में जब हम इसे पकाएंगे तो ये वैसे ही घुल जाना है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट क्यूब, जो मेरी होममेड है और इसकी भी मैं रेसिपी पहले अपलोड कर चुकी हूँ। और अब ऐड कर देंगे हम इसमें एक कप पानी लिया है मैंने, और हाफ कप और ऐड कर दूंगी इसमें मैं, ताकि जो मेरा मटन है वो अच्छे से कुक हो जाए और जब मैं इसे पकाऊंगी तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा पानी। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम साबुत गरम मसाला, तो आप देख सकते हैं एक दालचीनी है, दो तीन लौंग के दाने हैं, कुछ काली मिर्च है और ज़ीरा है। और अब ऐड कर दूंगी मैं इसमें हाफ टेबल स्पून नमक और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और हाई फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। जब विसल चलना स्टार्ट हो जाएगी, विसल की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, तो मैं टाइम नोट कर लूंगी 15 मिनट्स का और मीडियम फ्लेम पर इसे रख दूंगी। आफ्टर 15 मिनट्स मैं देखूंगी कि क्या सिचुएशन है। तो आफ्टर 15 मिनट्स विसल को खोलने के बाद जब धुआं मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा उसके बाद हम इसे एहतियात के साथ खोलेंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप सादा बर्तन में भी इसे बना सकती हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब ये देखें, ये मैंने ले लिए हैं 10 से 12 दाने काजू के और 15 तकरीबन दाने मैंने बादाम लिए हैं। तो इन दोनों को मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये देखिए आफ्टर 15 मिनट्स मैंने प्रेशर कुकर को खोला है तो ऑलमोस्ट जो है वो पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। तो ये देखें, ये काजू और बादाम का जो है मैंने पाउडर बना लिया है मिक्सी में डालकर, तो इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो जो काजू और बादाम है वो इस डिश का जो है वो मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं इस रेसिपी के। तो अगर आप ये ना डालें तो इसके बगैर भी बन जाता है, लेकिन अगर ये है तो अच्छा यही है कि आप इसे ज़रूर डालें। तो अब हम ऐड कर देंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून, छोटी चमची इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, टी स्पून के हाफ टी स्पून जो है काली मिर्च ऐड कर दी है, काली मिर्च पाउडर। अगर आपके पास वाइट मिर्च पाउडर है तो आप वो भी डाल सकती हैं, आपकी मर्जी है, काली इस्तेमाल करनी है या वाइट इस्तेमाल करनी है तो वो आप पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शनल है। इसमें एक अदद हरी मिर्च मैं मज़ीद ऐड कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें। और ये देखें, अब भुनाई हो चुकी है तो ये सबसे एंड में जो है मैंने ऐड किया है हाफ कप हैवी क्रीम। तो हैवी क्रीम जो है वो मस्ट है इस रेसिपी के लिए, आप भी ज़रूर डालें। मुख्तलिफ ब्रांड में मिलती हैं मार्केट में, जो आपको पसंद हो आप वो ले आएँ घर और उसे यूज़ करें।
ये 3 से 4 लोगों की सर्विंग है, आधा किलो मटन है, 4 लोग इजीली इसे खा लेते हैं। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान जो है वाइट मटन रेडी है। आई होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि ये वाकई आसान है और आप इसे आसानी से बना पाएंगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब भी आप ट्राई करेंगी तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।